नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माँ भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की साधना की जाती है। तो अब मैं माँ चंद्रघंटा के बारे में बताऊँ तो महिषासुर मर्दिनी का ही एक स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समझा जाता है। और इनके बारे में ये कथा है कि जब महिषासुर अपनी मनमानी कर रहा था और लोगों पर अत्याचार कर रहा था, तब सभी देवी देवताओं ने क्रोधपूर्वक एक देवी को प्रकट किया जिनका नाम माँ चंद्रघंटा पड़ा। और मैं आपको बता दूँ तो महिषासुर कोई और नहीं है बल्कि हमारे भीतर छुपे लोभ, काम, क्रोध, मोह, यह सभी महिषासुर का स्वरूप है। और इसी वजह से आज जब हम चंद्रघंटा देवी की साधना करते हैं तो इसके पश्चात हमारे अंदर के जितने भी विकार होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये माँ चंद्रघंटा हमारे भीतर के उन सभी विकारों को खत्म करती चली जाती है। और माँ भगवती की ये जो चंद्रघंटा स्वरूप है इसका संबंध हमारे मणिपुर चक्र से माना जाता है। इसलिए आज हम जो भी साधनाएं करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के पश्चात ही करेंगे। तो यदि आप भी अपना मणिपुर चक्र जागृत करना चाहते हैं और मणिपुर चक्र से संबंधित सारी सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं तो वो लोग आज की साधना ज़रूर करें। और साथ ही साथ कुंडलिनी शक्ति में भी आज की साधना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन की जितनी भी साधनाएँ हैं वो सभी साधनाएँ कुंडलिनी शक्ति में बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाली हैं। तो हर वह साधक जो अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहता है वह मेरे द्वारा बताई गई नवरात्रि में इन सभी 9 दिनों की साधनाओं को ज़रूर करे। और आज की साधना का सबसे बड़ा फ़ायदा यदि मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि यदि आपका मणिपुर चक्र खराब अवस्था में होगा तो आज की साधना करने के पश्चात वो एकदम सही अवस्था में आ जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपका मणिपुर चक्र खराब होने की वजह से आपके जीवन में कुछ बुरा भला या फिर कुछ घटनाएँ हो रही हैं तो वो सब कुछ होना बंद हो जाएंगी। तो आज की साधना का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम चंद्रघंटाए स्वाहा। तो इस मंत्र को आपको अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान करते हुए जितनी बार हो सके करना है, सवेरे, दोपहर, शाम, मैं तो ये कहूँगा कि आप जितने देर हो सके उतने घंटे बैठकर इस मंत्र को अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाकर करिए। यकीन मानिएगा आज के दिन यदि आप इस चक्र पर ध्यान लगाकर इस मंत्र को करते हैं तो आपको कुछ ऐसे दिव्य अनुभूतियाँ होंगी जो शायद इसके पहले कभी नहीं हुई होंगी। और मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि यदि आप मालाओं के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा है। मालाओं के साथ यदि आप करते हैं तो आपको पता रहेगा कि आपने कितने मंत्रों को किया है। और लोग जो धन की समस्या से परेशान हैं उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है। यदि आज आपने माँ चंद्रघंटा की साधना अच्छे से अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाकर की तो यकीन मानिएगा आपकी धन से जुड़ी जितनी भी समस्या होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो माँ चंद्रघंटा है ये सभी धन धान्य से आपको संपन्न कर देती हैं। तो यदि आप धन की समस्या को दूर करने के लिए इस साधना को करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन में माँ चंद्रघंटा से ये प्रार्थना कर दीजिएगा कि आपके जीवन में ये समस्या है और आप चाहते हैं ये समस्या दूर हो जाए। यकीन मानिएगा आप इस साधना को करते हैं आपको कुछ ही दिन में या फिर थोड़े समय के पश्चात ही धन की प्राप्ति कहीं से भी होने लग जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसे किस तरफ से आ रहे हैं पर सब तरफ से आपको धन की जो आवश्यकता होगी वो पूर्ति होने लग जाएगी। तो मुझे यकीन है कि आज की जो साधना मैंने आपको बताई है ये आप ज़रूर करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। और बहुत अच्छे से यदि आप करते हैं तो इसका प्रभाव आपके मणिपुर चक्र पर देखने को ज़रूर मिलेगा। और साथ ही जो मैंने अपनी बाकी साधनाएँ आपको बताई हैं जैसे कि बीज मंत्रात्मक सप्शती साधना और महामृत्युंजय गायत्री मंत्र साधना, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो उन साधनाओं को भी ज़रूर करें, उन साधनाओं को करना ना भूलें। और मेरी मानिए तो अपना एक टाइम बना लीजिए कि आपको इस समय ये वाली साधना करनी है और उस समय वाली साधना करनी है। आप किसी भी समय कोई भी साधना कर सकते हैं तो अपने हिसाब से कोई भी टाइम टेबल बना लीजिए, परंतु सभी साधनाओं को करिए ज़रूर, क्योंकि नवरात्रि के समय में किसी भी समय को गलत सही नहीं समझा जाता, क्योंकि नवरात्रि का हर समय शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो इन शुभ मुहूर्त में आप जब चाहे जो साधना कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सभी देवी देवता बहुत जागृत अवस्था में समझे जाते हैं। और 9 दिन तक आप किसी भी समय कोई भी साधना करें आपकी वो साधना फलीभूत ज़रूर होगी। इसलिए जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा साधनाओं को करने की कोशिश करें। और मैंने अपने हर वीडियो में ये बात कही है और आज फिर कहूँगा कि ये नवरात्रि के दिन वापस नहीं आने वाले हैं, तो जितना हो सके इस मौके का फ़ायदा उठा लीजिए। तो यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।